डैड, नरगिस आंटी क्या पूछ रही है बताएं हमें। हमारे साथ ही डिनर पे। यस इधर देखो, अब तुम खड़े होकर कोई और बहाना सोच रही होगी ना। शाम से तुम इस घर से निकली हो, ना फोन उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। कोई इसे इस घर में पूछने वाला है या नहीं? शांजे के वालिद अभी जिंदा हैं और किसी को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ खाने पे गई थी, वकार ने इसे खुद कॉल करके बुलाया था और हम सब साथ आए अभी। बताए ना वकार। वो डैड, नरगिस आंटी क्या पूछ रही है बताएं हमें। हमारे साथ ही डिनर पे। यस यस। अगर आप लोगों के साथ डिनर पर गई थी तो घर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो हमें बता देती, हमने कौन सा मना करना था शांजे। मेरे ख्याल से इसको झिझक महसूस हो रही होगी ये कहते हुए कि नरगिस वकार के साथ डिनर पे जा रही है। लेकिन पप्पू, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो गई ना। वकार, अगर तुम फोन करके बता देते कि शांजे तुम्हारे साथ है तो घर वालों को इतनी परेशानी ना होती ना। आई एम सॉरी, शायद सब मेरी वजह से हुआ है। शांजे मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं परेशान होके पूछने आ गई। अच्छा चलो शांजे, अब तुम ऊपर जाओ, चेंज करो, वरना तुम भी जाओ। डैड, आपको पता है कि हम कितना परेशान हो गए थे कि शांजे वर्दा के घर पे नहीं थी। आप उसे जरा समझाएं कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम लोग इसे समझाना शुरू करेंगे तो उल्टा मतलब लेके रोना शुरू कर देगी वो।